not the first time that I'm happy. It's not the first time I feel good. But it's been a while since that happened, knock on wood. I try to stay cool on the surface. I'd ask you to stay if I could. Though my lips are sealed, you still get me, yeah, you do. That's why I said that we should be more than a couple. Of hours is not enough. So kiss me again and again and again. The way it should be. You see, we're more than... Hi everyone, namaste and welcome to my channel. Aaj main kar rahi hu vlog and aaj hai Sunday. सो कल मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग बट फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया है. एंड आज वैसे यहाँ पे मुंबई में ना हाई अलर्ट आया है हैवी मॉनसून का, बट अभी सुबह से अच्छी खासी वो है, बहुत सारा सनलाइट हो रखी है, धूप आई हुई है. तो बाहर का वेदर चेक आपको दे दिया जाए. सो ये देखिए, काफ़ी ऐसे डेंस क्लाउड तो हो रहे हैं बट बारिश नहीं हो रही है, तो माइट बी पॉसिबल थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाए या नहीं भी हो, कोई भरोसा नहीं है. सो यस, एंड ये रहे हमारे प्लांट्स. यहाँ पर नीचे भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, ये देखिए कितना गंदा हो रखा है. ये मैं इसलिए भी क्लीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि परसों के दिन मैंने इसको जैसे ही क्लीन किया वैसी बारिश हो गई. जैसी बारिश होती है तो वो मिट्टी धूल सब गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको क्लीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी बारिश चली रही है तो वो ऑटोमेटिकली अपना क्लीन हो जाएगा. सो यस, एंड अभी आज का क्या प्लान है? आज का ऐसा कुछ प्लान तो है नहीं, और मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ आई है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ. ये आपको दिख रहा है, तो ये हम लोगों ने कुछ मंगवाया है बट अभी नहीं बताऊंगी क्या है. और अभी मैं खोल, अभी मतलब मेरे को तो ऐसा होता है कोई भी नई चीज़ आती है बस फटाफट उसको यूज़ कर लो, ओपन कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा मेरे को अंदर से एक्साइटमेंट होता है. बट अभी उसको ओपन नहीं करना है, 15 डेज रुकेंगे उसके बाद उसको ओपन करेंगे. एंड एक और न्यूज़ आप लोगों के साथ में बड़ी एक्साइटिंग सी शेयर करना है मुझे, तो मैं करने वाली हूँ, वो भी करने वाली हूँ जल्दी ही. तो कमिंग ब्लॉग्स आप देखिएगा ज़रूर, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, काफ़ी नई चीज़ होने वाली है, एक्साइटिंग भी होने वाला है. सो वो मैं करूँगी डिस्क्लोज विद इन 10-12 डेज में करने ही वाली हूँ. तो यहाँ पर काफ़ी सारे हम लोग, अभी क्या है बारिश स्टार्ट हो गई है तो अब कपड़े भी सूखने में बहुत टाइम लगाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ का ना फैन ऑन कर देते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं सारे कपड़े. तो ये काफ़ी अच्छे ड्राई हो चुके हैं. और विक्की अपनी ड्यूटी पे है, सैटरडे या संडे में से पोहा बनता है, तो कल पोहा नहीं बना था तो आज उसने पोहा बनाया है. और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप अपनी पोहे की रेसिपी कब शेयर करोगे. पहले भी करी है बट अभी एक बार और अपडेटेड वाला कुछ करा देंगे, कुछ चेंज किया है क्या आपने? हाँ, तो काफी सारे नए लोग जुड़ गए तो किसी ब्लॉग पे दिखा देंगे, है ना, पोहे की रेसिपी जल्दी शेयर कराएंगे. और अभी पोहे के साथ हम लोग का क्या होता है, मैंडेटरी हम लोग वो जरूर खाते हैं, अनार जरूर खाते हैं, तो वो अनार ही छील रहा है. तब तक मैं जल्दी से वैक्यूम कर लेती हूँ. तो आज मेरा डीप क्लीनिंग का डे है, यूजुअली सैटरडे या संडे में से मैं चूज़ करती हूँ और समटाइम्स फ्राइडे में से भी. तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ और दूसरी क्लिपिंग डाल रही हूँ और वापस से हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे. ओके गाइस, तो मैं अपना जो भी काम था वो करके आ चुकी हूँ. तो शावर लेने से पहले मैं करने वाली हूँ अपने बालों में थोड़ा सा मास्क वगैरह लगाने वाली हूँ. तो मैं जो आज मास्क लगाने वाली हूँ ये है मामाअर्थ का एप्पल साइडर विनेगर हेयर मास्क. और ये पूरी एक रेंज आई है मेरे पास, मैं एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू है, कंडीशनर है,
सो ये जो एसीबी रेंज है दिस इज परफेक्ट फॉर एट होम हेयर स्पा। तो ये जो एसीबी रेंज है इसके अंदर ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर मिला हुआ है जो कि आपके बालों को डिटॉक्सिफिकेशन देता है एंड साथ ही साथ आपको एक घर पर ही एट होम स्पा देता है। एंड इसके अंदर बायोटिन मिला हुआ है जो कि प्रमोट करता है कैरेटिन प्रोडक्शन। ये जो रेंज है ये हेयर रूट को स्ट्रेंथ देती है, सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर देती है, हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड दिस रेंज इज स्पेशली लॉन्च टू फोकस ऑन लॉन्ग एंड शाइनी हेयर। As you all know that Mamaearth is all about goodness, तो आप जब भी Mamaearth की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं Mamaearth का, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। Mamaearth ने रिसेंटली अपनी ऐप लॉन्च करी है जो कि iOS एंड Android के लिए है, तो दोनों की जो लिंक्स है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो ऐप यूजर्स रहने वाले हैं उनको अर्ली एक्सेस मिलेगा सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट का। इसके बाद मास्क मैंने पूरे लगा लिया है अपने बालों में, तो इसके बाद जो मैं यूज वाली हूँ वो यूज करने वाली हूँ ये एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू एंड एप्पल साइडर विनेगर कंडीशनर, ये दोनों सेट में यूज करने वाली हूँ। जो एसीवी शैम्पू है क्राफ्टेड विद द नेचुरल गुडनेस ऑफ एप्पल साइडर विनेगर, बैलेंसेस द स्कैल्प्स पीएच जिसकी वजह से आपके बाल शाइनियर, हेल्दियर एंड बाउंसियर लगते हैं। तो यस, स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट Mamaearth की वेबसाइट पे। एंड Mamaearth के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है Mamaearth.in पर, नायका पर एंड Amazon पर, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। तो मैं हेयर वॉश करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, वैसे मुझे भूख लग रही है। आज हम लंच जो है हमने बाहर से ऑर्डर किया है, काफी टाइम बाद हम लोग बाहर का खाने वाले हैं और अभी तक तो घर पे ही बना रहे थे बट अब सब खा रहे हैं तो हमारे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई है कि लेट्स ट्राई थोड़ा खा लेते हैं बाहर का, कब तक ऐसे नहीं खाएंगे। तो यस, और शाह लेने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कितना भी आप डेली क्लीनिंग करो, मैं जब भी इसको दो तीन दिन में तो वैसे तो हम डेली इसको चलाते ही हैं पूरे उसमें, वही बैठी लाइनिंग टेबल पे क्या। वैसे तो इसको डेली करती हूँ बट जो डीप क्लीनिंग होती है वो वीक में एक दिन करती हूँ, तो डेली भी एक कचरा निकलता है। बट ये देखिए ये आज वीकली डीप क्लीनिंग का डस्ट है इसमें। एक्चुअली अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है ना, तो इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा डस्ट आता है। अब हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी है, तो मैं फटाक से हैंड वैंड वॉश करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ और ब्रेकफास्ट खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो ये विक्की की जो दाढ़ी है इतनी गंदी सी, देखो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी है कितनी गंदी लग रही है। आई वाज एबल टू डू दिस, मतलब मैं दिन में कम से कम 15 से 20 बार तो मैं आपको देखती हूँ, आप कम से कम 100-200 बार करते रहते हो काम करते करते, पता नहीं कितनी है। देखो ये कैसा है नया लुक, कैसा कबीर सिंह बनकर घूम रहे हो, कौन भाग गई आपको छोड़कर कबीर सिंह बनकर। ये लोग कबीर सिंह वाले ही है, कौन सा दुख है, कौन आपको भाग गई छोड़ करके। कोई भाग जाए छोड़ करके इसके लिए लुक है, हैं? हे गाइस, तो अभी मैं आपको मैंने टॉवल ड्राई कर रही हूँ अपने बालों को, तो बालों को वॉश कर लिया है, तो वही मैंने एसीवी शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ किया है। जब प्रॉपर ड्राई हो जाएगा तब मैं आपको अपना बालों का रिजल्ट दिखाऊंगी। एंड हम लोगों ने जो बाहर से मंगवाना था वो हमने मंगवा लिया है। हम लोग यूजुअली ये पास्ता वगैरह ज़्यादा खाते नहीं हैं बट मुझे बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा था, एंड जहाँ का मैं ये खाती हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पास्ता जो मैंने अब तक खाया है, मतलब बेस्टेस्ट पास्ता।
तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है आता है, तो ये हमने मंगवाया हुआ है। एंड इसको अभी मैं पूरा माइक्रोवेव करूँगी अगेन फॉर 40-50 सेकेंड्स तक। और विक्की अभी शार ले रहा है क्योंकि हमने सुबह वो जो खाया था पोहे खाए थे, फिर जूस पिया था, तो उसके बाद इतनी भूख लग नहीं रही थी। एंड क्योंकि पोहे में भी हम लोग ऐसे पोमे अनार वनार डाल करके काफ़ी हैवी बना के खाते हैं, तो अच्छा फीलिंग होता है वो काफ़ी। एंड उसके बाद जूस भी पी लिया था, तो अब थोड़ा भूख लग रहा है तो ये खाने वाले हैं। एंड आज हम लोग शाम को जाने वाले हैं, यही हमारे एक फ्रेंड्स रहते हैं, तो बहुत टाइम से वो बुला तो रहे थे बट ये सब कोरोना वोरोना का था। तो दिस इज़ माई हेयर, यू कैन सी जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है ये जो एप्पल साइडर विनेगर का जो रेंज था ना, इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, मेरे बाल इतने अच्छे महक रहे हैं। सो दिस इज़ माई हेयर आई रियली लाइक। और मैंने जो ACV का कंडीशनर है वही यूज़ किया था। मैं हो रही हूँ रेडी क्योंकि मैंने बताया था ना हम लोगों को जाना है, तो एक्चुअली हम लोग ना उनके घर पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है ना अभी क्या लेके जाएं, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब हम किसी के भी घर पे जाया करेंगे ना मिलने के लिए, तो एज अ गिफ्ट, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है क्या दें, सबके अपनी अपनी चॉइसेस होती है, तो एज अ गिफ्ट आई हैव डिसाइडेड वी गोना गिव प्लान्स टू एवरीवन जब भी हम किसी के घर फर्स्ट टाइम जाया करेंगे। और अच्छा एक प्लान, बहुत अच्छा जेस्चर है ना प्लांट देना, अच्छा सुंदर सा कोई इंडोर प्लांट में गिफ्ट करा करूंगी जब भी किसी के भी घर फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं, या एज अ दिवाली गिफ्ट, एज अ प्लांट लवर आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग जो कि सबको दिया जा सकता है। आज मेरा मन है थोड़ा ऐसा इंडियन टाइप का कुर्ता उर्ता कुछ पहनने का, ताकि मैं ना पजामे में एकदम फ्री होकर के बैठ सकूं, जीन्स वीन्स मुझे नहीं पहनना है। तो मेरे पास दिस ये W का कुर्ता है, बड़ा ही प्यारा सा और काफ़ी कंफर्टेबल सा कुर्ता है। एंड इसके साथ मेरे पास ये भी है इसका बॉटम। हे गाइस, आई एम ऑल रेडी और आज मैं रुचि की जगह सुचि बन रही हूँ, मतलब बिना किसी ओकेशन के। बहुत रेयर होता है कि मैं एकदम ऐसे इंडियन अटायर बिंदी बिंदी में रेडी हो जाऊँ, बट आज मेरा मन कर रहा था तो आज मुझे एक्चुअली चाहिए थी थोड़ी बड़ी बिंदी जो नहीं होती, ब्लैक कलर की, वो बट वो होता है ना जब आपको कहीं जाना होता है तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है, तो मुझे वो बिंदी नहीं मिल रही है। और फिर भी मैं एक और बार ढूंढने की कोशिश करी हूँ, बट मैं सोच रही हूँ छोटी बिंदी मेरे पास अभी अवेलेबल है तो फिर मैंने वही लगा ली है। एंड आई थिंक आई एम लुकिंग प्रीटी गुड, तो मैं आपको अपना पीछे से दिखा देती हूँ। मिरर को जज मत करना, डेली क्लीन नहीं होता है। सो दिस इज हाउ माई सूट लुक्स लाइक। और इसके नीचे मैंने पहना हुआ है ये वाला पैंट ब्लैक कलर का। सो ये जो कुर्ती है दिस इज़ फ्रॉम W और ये बहुत पुरानी कुर्ती है, मैंने अपने शादी के टाइम पे जो शॉपिंग करी थी ना तब लिया था, एंड स्टिल फिट्स मी परफेक्टली और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। बट मैंने इसको बहुत पहना नहीं है, मैं जब ऑफिस में जॉब करती थी ना तो मैंने कपड़े इस हिसाब से लिए थे कि मुझे ऑफिस में भी सही से चले जाएँ, तो इसलिए मैंने ये कुर्ती तब परचेस करी थी। एंड बहुत कम पहनी है मैंने इसको, तो आज मैंने इसको पहन लिया है। और ये रहे हमारे पति जी जो कि पहचान में नहीं आ रहे हैं, आज इंसान दिख रहे हैं। इसने अपने हेयर कट भी खुद ही किया ना, इसने अपना हेयर कट किया, इसने अपना बियर्ड ट्रिम किया। बैक टू बीइंग ह्यूमन, हां पोलो लिखा हुआ है लेकिन बैक टू बीइंग ह्यूमन। यस यस यस, तो अब हम ये मेरी बीवी सुचि कभी कभी रुचि बन जाती है। और आज मैं बहुत मस्ती के मूड में हूँ, मैं पता है मैं विक्की को बोल रही थी मैंने कहा मैं जाऊँगी ना, तो उनको भैया बोलती हूँ मैं जिनके घर हम जा रहे हैं, तो उनको भैया को जाकर के बोलूँगी प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी, मतलब मैं फुल ऑन मस्ती वाले मूड में हूँ। तो मुझे देख रहा है मेरे मोबाइल के कैमरा से, एंड इतनी ज्यादा गर्मी हो गई एकदम से, मतलब अभी 3 दिन से ना कंटिन्यूस बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, इसलिए मेरा सूट पहनने का मन हो गया। मैं एकदम एक तो एकदम ह्यूमिडिटी हो रही है, मैं बाहर निकली तब मुझे ज्यादा रियलाइज हुआ घर में इतना पता नहीं चल रहा था, धूप निकल गई ऊपर से मैं पहनी हूँ, ऊपर से निकल तक एकदम ब्लैक, ठीक है, तो मुझे अब लग रही है भयंकर वाली गर्मी। तो और आज था ना विक्की, मुझे सुबह बोला था फोरकास्ट है, पूरा आसमान नीला है, वेरी हैवी रेनफॉल, मुझे विक्की सुबह उठते से बोला आज वेरी हैवी रेनफॉल है, मैंने बोला अच्छा ये बच्चे एकदम चिल करते हुए जा रहे हैं, गोलू मोलू
सब पार्क खुल गए, पूरा टोटल अनलॉक हो चुका है। मेरी बीवी मेरे को दो दो मास्क पहना करके नीचे भेजती है। हम लोग बिल्कुल इधर सामने ही रहते हैं और हमको सिर्फ घूम के आना पड़ा है और हम यहाँ आ गए। क्या स्किन ग्लो कर रही है, गोल्डन आवर्स। हे गाइस, सो वी आर बैक एंड आई लिटरली, यू नो, मैंने कोई व्लॉग नहीं किया वहाँ पर। पहले तो मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था कि मैं जाके करूँगी कि नहीं करूँगी, बट जब मैं आ रही थी ना तो मैं जिसके घर गई थी वो मेरे को बोलती तूने व्लॉग क्यों नहीं किया। मैंने बोला अरे यार मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी थोड़ा ऑड लगता है, दो मतलब वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ, तो कोई नहीं, मैंने बोला नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर व्लॉग करूँगी। और ऐसे कपड़े फैले पड़े हुए हैं तो अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इनको सबको यू नो सॉर्ट आउट करने की, तो मैं इसको यहीं पर, जी ये दिख रहा है ना एक लॉट है, इस सबको इधर रख दे रही हूँ। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा घर ऑल टाइम एकदम ऑर्गेनाइज रहता है बट समटाइम्स आपका मन नहीं करता है चीज़ें करने का, तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि अभी मेरा 1% भी मन नहीं कर रहा है। सोऊंगी मैं, फेस वेस वॉश करके। अभी विक्की ने कोई सी सीरीज लगाई है, आज हम लोगों ने वो सीरीज ख़त्म करी है सोनी लिव की, अवरोध, अमेजिंग है। उरी जो है ना, उरी वाले उस पर ही बेस्ड है, बट जो उरी मूवी है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। आई एम सो सॉरी, जो उरी मूवी है वो बिल्कुल डिफरेंट थी एंड ये बिल्कुल डिफरेंट है। आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप देख चुके हो ये मूवी। बिल्कुल अच्छी स्टोरी एंड बहुत एंगेजिंग है। कौन सी लगाई है अभी? भोसले लगाई है अभी। भोसले कौन सी है? हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे, वही मंडे सुबह से जो काम स्टार्ट हो जाते हैं काफ़ी लेट हो गया। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारी जो बेडरूम वाली वॉच है ना वो ख़राब हो गई है, ख़राब मतलब उसका सेल डाउन हो गया है। तो वो मुझे आई थिंक जब 8 या 8:30 बज रहे होंगे तो उसने मुझे टाइम दिखाया 7:30, तो मुझे लगा अभी तो 7:30 है, आधे घंटे बाद उठूँगी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद टाइम देखा तो मुझे दिख रहा था वो आई थिंक 7:45 दिख रहा था। तब भी मुझे ऐसा लगा कि यार इतनी देर में भी तक इतना कम टाइम, सुबह तो वैसे ही ऐसा लगता है कि और सो लें 5 मिनट 10 मिनट। फिर जब मैंने मोबाइल को ओपन करके देखा तब मुझे दिखा टाइम 9 बज चुके हैं। तो मैं फटाक से उठी, दौड़ के आई बाहर कि अभी जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो कल का पार्सल है वो वाला सामान रखा हुआ है, मैं हालत बताती हूँ। तो ये हमारा एक लॉट जो है कपड़े का सूख चुका है, इसको मुझे फोल्ड करना है। और दूसरा मुझे ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, जो मैंने कल दिखाया था, ये मुझे फोल्ड करना है। और अभी क्योंकि बज चुके हैं 10 और आज जो वीडियो है ना, जो वीडियो है वो कल एक्चुअली मैं लाइव जाना था बट मैं नहीं गई कल लाइव, तो अभी मैं वही उसको अपलोड पे लगा रही हूँ। और मुझे जो थंबनेल मैं बनाती हूँ, थंबनेल को बनाने में टाइम लगता है, मतलब पिक्चर सेलेक्ट करना, पिक्चर को सेट करना, कलर कॉम्बिनेशन। बनाने बैठूंगी फिर ही मैं सीधे खाना बनाने जाऊंगी, तो आज मैं लेट हो गई खाना बनाने में। इन शॉर्ट 10 बज गए, मतलब 10:30 से बनाना चालू करूंगी तो मुझे 12 बजेगा। तो पर ठीक है, ये वाला काम करने के बाद फिर वही होता है, अभी एक टाइम लेट उठ जाओ ना पूरा मेरा सिस्टम ऊपर नीचे हो गया है। बट नेवर माइंड, आज मुझे एनीवेज कुछ शूट वगैरह नहीं करना है तो ये एक अच्छी चीज़ है। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद, मतलब शाम हो चुकी है ऑलरेडी। और आज मैंने क्या किया है, ये जो इसका जो कवर होता है ना, जो थ्रो होता है, वो चेंज किया है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसको मैं वॉश करने डालूंगी। ये इतने ज़्यादा काले हो गए, मतलब गंदे हो गए, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। ओवरनाइट सोक करके रखूँगी एंड फिर कल वॉश करूँगी। एंड आज मुंबई, मतलब कल तक इतनी बारिश थी मुंबई में और एकदम से झटपट वेदर, एकदम क्लीन ब्लू स्काई आपको दिख रहा है, तो मैं दिखाती हूँ बाहर का, लुक एट दिस, दिख रहा है ना एकदम ब्लू मस्त स्काई, क्लीन क्लीन वेदर, शांत वेदर है एकदम। Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Stop the time, don't you know that?
ऐसे यहाँ से कट कर लिया, जबकि इसको पता था कि आज आने वाला है स्टाइलिस्ट, हमने कल बुक कर दिया था और अभी एक्चुअली इतना लेट का स्लॉट इसलिए मिला है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अनलॉक हुआ है तो बहुत सारे लोग ही होंगे ना जिनको ये करवाना हुआ होगा। डन विद द अर्बन क्लाफ वाला जो सर्विस है ना वो ले लिया है। तो एक्चुअली मुझे ना एक चीज़ लगती है, जैसे अभी हेयर स्टाइलिस्ट जो आए थे, मतलब सैलों में जाकर के सर्विस लेना और घर पे लेने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी उन्होंने ना पूरा शीट वीट सब बिछाया था, सब कुछ किया था, बट एनी वेज वो छोटे छोटे जो बाल है वो पूरे घर में हमारे, हमने फैन भी नहीं चलाया था, बट छोटे छोटे तो है वो इधर उधर तो गिरे ही हैं। दो वो बहुत अच्छे से झाड़ू भी लगा रहे थे, बट ठीक है आपके घर के कम्फर्ट में वो आते हैं। मैं फटाफट से रोटी बनाऊंगी, मैंने बहुत देर से आटा जो बाहर निकाल के रख दिया था, शाम की रोटियां बनाना है मुझे। विक्की गया शार लेने, तो वो आएगा तब मैं उसकी हेयरकट दिखाऊंगी। अब काफी बेटर लग रहा है, काफी ज्यादा बेटर लग रहा है। तो एक सेकेंड, मेरी बैटरी जा रही है, मतलब कैमरे की, मैं चेंज कर लेती हूँ। कुकिंग हो चुकी है, अब फटाफट से खाते हैं। अरे सर, सर जी, हाउ्स द जोश? हाय सर। हाँ, तो अब काफ़ी, ये जो बेबी कट करी थी ना, ये अभी काफ़ी मैनली कट लग रही है। नाउ इट्स परफेक्ट, कितना सही तरीके से कट करते हैं लोग यार। सो राइट नाउ इट्स 9:15। तो यूजुअली ये जो टाइम होता है ना, ये मेरा घर पे बात करने का टाइम होता है मम्मी पापा से, बट आज मेरे मम्मी पापा कहीं गए हैं थोड़ा काम से। अब मैं ये जो है अपना आईपैड और मोबाइल लेकर के ये रूम हमारा ऐसे ही अब छोड़ के जा रही हूँ, सब बंद कर दिया है मैंने। और ये कुछ एक पार्सल आया था जो कि हॉल वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और अब मैं आराम से बैठूँगी यहाँ पर। यहाँ मैं इसलिए बैठती हूँ क्योंकि ये विंडो ओपन रहती है, नेट लगा हुआ है ना, तो एक भी मॉस्किटोस कीड़े वीड़े कुछ नहीं आते और ठंडा भी लगता है। ओके गाइस, सो आई एम डन विथ ऑल माय वर्क टुडे और अब मैं सुकून से शांति से बैठूंगी और ऐसी कुछ यूट्यूब वगैरह वीडियोस देखूंगी या जो मुझे देखना होगा वो देखूंगी और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मतलब आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मुझे स्किन केयर वगैरह भी करना है। एंड ऑल्सो आज जो मैंने वीडियो लाइव किया है ना, उसमें काफ़ी सारे कॉमेंट्स इस तरह के आए, मतलब मैंने ये पूछा था कि Q&A पार्ट 2 देखना है या ब्लॉग्स में ही देखना है, तो मुश्किल से 5 लोगों ने बोला होगा कि ब्लॉग्स में ही देखना है, बाकी सब ने मुझे यही बोला कि Q&A उनको पार्ट 2 चाहिए। तो वैसे उस Q&A में तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कट वट कर दिए थे, तो अभी मैं उसको नहीं, एक अलग से पार्ट 2 वीडियो शूट करती हूँ जल्दी ही। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।